नंबर 24 न्यूज, सच वही जो दिखेगा। कोडरमा में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का 50वां जन्मदिवस जिले के सहित सभी प्रखंडों में पूरी सादगी के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों के प्रति 2 मिनट का मौन रख शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। उसके उपरांत चंदवारा पुलिस चेक पोस्ट, जो दिन रात कोरोना महामारी में सेवा भाव से सड़कों पर पुलिस के जवान ड्यूटी में लगे, उन्हें चंदवारा प्रखंड कांग्रेस कमेटी के सौजन्य से फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स उपलब्ध कराया गया। साथ ही भोंडो पंचायत के अंतर्गत गरीब परिवारों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। मौके पर जिलाध्यक्ष मनोज सहाय पिंकू के कहा कि इस वक्त देश में फैले कोरोना महामारी, जो प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, इस आपदा को देखते हुए आदरणीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के जन्म दिवस पर पूरी सादगी व शहीदों की शोक सभा के साथ मनाया गया। पूर्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकप्रिय सांसद राहुल गांधी जी का आज 50वां जन्मदिन है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार एवं हमारे वरिष्ठ नेताओं के निर्देशानुसार हम लोगों ने ये तय किया, हमें निर्देश है कि राहुल जी का ये जन्मदिन बड़े ही सादगीपूर्वक मनाई जाएगी और सभी जगह जिला कोडरमा एवं प्रखंड चंदवारा में आज हम उनकी जन्मदिन को बहुत ही सादगीपूर्वक मना रहे हैं। हम आज गलवान के शहीदों के लिए 2 मिनट का मौन रख करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और इसके बाद निर्देशानुसार ज़रूरतमंदों के बीच हम मास्क, सैनिटाइजर, खाद्य सामग्री बांटेंगे और यही हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और राहुल जी का जन्मदिन में यही सब। कोडरमा से अनिल पांडे की रिपोर्ट।